मध्य प्रदेश के रीवा जिले में खाकी वर्दी पर एक बार फिर दाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों जहां रीवा पुलिस लाइन के एक आरक्षक पर दो बच्चों की मां ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, वहीं एक बार फिर यातायात पुलिस के एएसआई बद्री दाहिया द्वारा बस कंडक्टर पंकज मिश्रा के साथ गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां तक कि पुलिसकर्मी बद्री दाहिया अपने ही विभाग के डीएसपी को भी गाली गलौज करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उक्त बस कर्मचारी से, जिसने पूरी घटना के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद सुनाएंगे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या कहा है। आपने क्यों गाड़ी की मुझे ये नहीं पता। बताइए ना, आप बताइए। फोन बना वीडियो बना, आप बना ले वीडियो बनना ना। आपने क्यों गाली दी? तुम कौन हो ये बताओ भाई? मैं हूँ बस का कंडक्टर। फिर क्यों नहीं बताई मैं कंडक्टर हूँ? वाह, आप नहीं जानते, आपको 12 मासी फ्री ढोया हूँ और आपने मेरे को दे दी। तुमको बताने के लिए मैं कंडक्टर। अच्छा, वहाँ बताने की आप मौका दी? तो हुआ औरत कौन है? किसके में बैठाया? क्यों आगे लगाया गाड़ी? मैंने गाड़ी कहाँ लगा दी आप बताइए ना। आप तो उतर के सीधे बताई मातारी करने लगे। अरे तो हम हमारे कौन दिक्कत नहीं आए थे रोड में? हाँ तो वही तो मैं आया नहीं यहाँ पे। मेरी तो बताई देता हूँ बात क्या है। आप मेरी आपके साथ पुलिस कर्मी ने गाली गुलाज की है, क्या पूरा मामला है? पुलिस कर्मी गाली गुलाज इसलिए की है क्योंकि ये पुनारी रंजित के कारण। मैं ओम साई राम पाठक में कंडक्टिंग करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, ये आया 9:30 बजे अपना टाइम है यहाँ से जाने का, तो मैंने इनसे कहा कि सर गाड़ी में सवारी नहीं जाएगी, आप ग्वालियर में चले जाइए। तो इन्होंने अभद्रता से बात की है, ड्रिंक भी किए हुए थे, तो मैंने उस दिन टाल दिया कि चलो हो गया पिए हुए हैं। कल भी ऐसा हुआ, कल मैं पूरा परिवार लेके गया था अपने निमंत्रण में, मोहल्ले में ठाकुर साहब की लड़की की शादी थी। मैं वहाँ से परिवार को आया, घर छोड़ा, बस स्टैंड आया कि चाय पी लूँ। जैसे चाय पीने को आया, गाड़ी खड़ी किया, तो ये ऑटो से उतरे, सीधे गाली दाई मातारी करने लगे, अभद्रता से बात करने लगे। मैंने इनको कहा कि आप गाली ना दीजिए, गलत कर रहे हैं गाली दे के। उन्होंने बोला मैं तेरी दाई छोड़ दूंगा, ऐसा वगैरह वगैरह जो अभद्रता से बात किया इन्होंने, दाई मातारी सब की। तो बद्री प्रसाद दाहिया करके हैं, कहाँ पर दस्त हैं ये? साथ सिविल लाइन यातायात पे हैं और यहाँ पुराने बस स्टैंड की बात है, ये ऐसी घटना हुई। किसी महिला का भी जिक्र हो रहा है? महिला का जिक्र ऐसा कुछ नहीं है सर, महिला का कोई बात नहीं, वो अपने से ही बोल रहे थे। महिला के साथ भी गाली गलौज की जा रही है? नहीं, हाँ ऐसा अपने सामने तो नहीं हुआ था। किसी महिला को गाली देते दे रहे हैं? वो पता नहीं किसको बोल रहे हैं, मेरे को जानकारी इस बारे में नहीं है। वो वीडियो में ऐसा बोल रहे हैं, नहीं वरिष्ठ अधिकारियों को भी गाली, वो अपने, मैं तो ठीक है आम आदमी हूँ, अपने अधिकारियों को भी ऐसा गाली दे रहे हैं कि मैं मतलब अभद्रता से बोल रहे हैं, डीएसपी साहब की ये वो वगैरह वगैरह। पंकज मिश्रा, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि मैं तो ठीक है आम आदमी हूँ, जब वो अपने अधिकारियों को ही इस तरह बोल रहे हैं तो हम लोगों को जीना तो हराम कर देंगे। क्या करते हैं? मैं कंडक्टिंग करता हूँ। ये 9:09 बजे घटना है, 9:15 की घटना सर। जी सर, पुलिस कर्मी क्या सर? हाँ सर, वो ड्रिंक किए हुए थे। ट्रैफिक थाने में पदस्थ एएसआई द्वारा पुलिस विभाग की छवि धूमिल करते हुए जो कृत्य किया गया उसे देखते हुए उनको निलंबित करके पुलिस लाइन अटैच किया गया है। अभी प्राथमिक जांच भी हम इसकी करवा रहे हैं, उसके पश्चात ही हम अगली कार्रवाई इसके लिए प्रस्तावित करेंगे। सर अपने अधिकारियों के साथ कर। अभी जो भी उसमें प्राथमिक जांच में आएगा उसके अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे, अभी उनको निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया गया है।